नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन में स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी लोबिया कड़ी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, एक तेज पत्ता, दो हरी मिर्च, एक स्लाइस्ड अनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टमाटर और 3 टेबल स्पून तेल। सबसे पहले हम पैन में तेल ऐड करके इसे गर्म हो जाने के बाद इसमें दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता और काली मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसमें हरी मिर्च और कटे हुए प्याज ऐड करके इसे भून लेते हैं। देखिए प्याज अब ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। इसके साथ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं, इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पका लेते हैं, 2-3 मिनट के लिए। इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। दोनों को टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला जब तेल छोड़ने लगे तो इसके बाद हम 1 कटोरी उबला हुआ लोबिया इसमें ऐड कर देते हैं। भीगे हुए लोबिया को हमने नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लिया था। लोबिया को स्पैचुला से मैश करके इसमें उबला हुआ लोबिया का बचा हुआ पानी ऐड कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसे 10-15 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। इसमें कटे हुए धनिया पत्ते ऐड करके कड़ी के साथ मिक्स कर लेते हैं। हम इसे कटे हुए धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर रहे हैं। आपका लोबिया कड़ी तैयार है। इसे आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।